चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को दिया स्पेशल ऑफर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा यानी 18 अगस्त 2021 को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में एथलीट्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को एक जिम्मेदारी वाला ऑफर दिया। ऑफर को लेकर नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे। टोक्यो में पोडियम पर राष्ट्रध्वज बजवाने के बाद नीरज चोपड़ा पहली बार सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई दी। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपिक संदीप सिंह भी मौजूद थे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैंने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक के लिए एथलीट्स को तैयार करने के लिए नेतृत्व करने को कहा है। हम हरियाणा को खेलों का हब बनाना चाहते हैं। नीरज यहाँ आए हैं, अब देश का नाम इनके साथ जुड़ गया है। नीरज हमारे देश और खेल जगत का सम्मान है, वह होनहार खिलाड़ी है। हरियाणा की इन पर गर्व है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। नीरज चोपड़ा हरियाणा का गौरव है, देश का स्वर्ण पुत्र है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, बाकी खिलाड़ियों ने भी सुझाव दिए हैं। हम डिपार्टमेंट में बैठकर विचार करेंगे और जो जो खेल के लिए लाभदायक होगा वह सब करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचकुला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलीट्स की योजना की जाएगी। हमने नीरज चोपड़ा को उसे लीड करने का ऑफर दिया है। मैंने नीरज को यह ऑफर इसलिए भी दिया है ताकि हरियाणा को खेल में और आगे ले जाया जा सके। नीरज भी अपना दायित्व निभाएगा और देश में पदकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऑफर पर नीरज ने कहा, मैं हरियाणा के ओलंपिक के लिए एथलीट्स तैयार करने के लिए एक्सीलेंस सेंटर का प्रमुख बनने के बारे में सोचूंगा। मैं देश में खेलों को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मेरा लक्ष्य अगले साल विश्व चैंपियन में पदक लाना है। उन्होंने कहा, मेरे पास काफी समय है, मुझे खुद भी खेलना है। हरियाणा और भारतीय खेल को आगे ले जाने में मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। फिलहाल अभी मेरा लक्ष्य अगले साल विश्व चैंपियन है। मुझे मेहनत करके उसमें गोल्ड लाना है। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।